तो सपोज ये ट्रायंगल दिया गया है हमें, कोई भी मिड पॉइंट दिया गया है ट्रायंगल का। सपोज हमने ये ट्रायंगल कर लिया कि ये एज्यूम कर लिया ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल हुज ए बी का अपना कुछ मिड पॉइंट होगा। तो सपोज ए बी का मिड पॉइंट कुछ आपका डी हो गया, और हमने कह दिया कि जो ए सी का मिड पॉइंट है सपोज ये ई e हो गया, और जो बी सी का मिड पॉइंट है वो आपका एफ हो गया। तो दीज आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। अब हमें ए वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए हैं, ध्यान देने वाली बात है कि हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी का मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है, और ए सी का मिड पॉइंट है। तो एक आपको मिड पॉइंट 1,4 दिया गया, तो सपोज वो हमने एज्यूम कर लिया कि वो डी का कोऑर्डिनेट है। और नेक्स्ट है आपका 4,8, तो सपोज ये 4,8 हो गया। एंड जो आपका नेक्स्ट है 5,6 है। तो इम्पॉर्टेंट इस बात का होता है कि क्वेश्चन आप समझिए पहले, क्वेश्चन दिया क्या गया है, ठीक है, फिर हम लोग आगे वर्क करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन ही लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कि जो ये कोऑर्डिनेट आपको तीन प्रोवाइडेड हैं, ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं, ना कि वर्टिसेस हैं। अब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट तो हमें निकालने हैं, तो अब हमें एज्यूम करना पड़ेगा। सपोज ये x1, y1 है, बी का हमने कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया x2, y2, और सी का हमने एज्यूम कर लिया x3, y3। तो देयर आर सिक्स अननोन्स, तो ये छह अननोन है, x1, x2, x3, y1, y2, y3। तो ये सारा निकालना है हमें, कैसे करेंगे? सिंपल है, मिड पॉइंट हमें पता है कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ए बी का है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मिड पॉइंट का अगर अबसीसा आपका एक्स है, और जो एक्सट्रमीज है इनके, मतलब ए और बी के कोऑर्डिनेट x1 और x2 है, तो x1 + x2/2 होता है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, x आपको दिया गया है 1, लेकिन x1 x2 नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा x1 + x2/2। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बन गई, x1 + x2 = 1 × 2, दैट इज़ ये पूरा आप क्या लिख दोगे इसकी प्लेस में, 1 × 2 आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 2। तो ये हटा के हम लोग यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं। तो दैट इज द माई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग क्या कहेंगे कि जो ई e है आपका इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो यहाँ पे आप कहोगे जो 4 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x1 + x3/2, मतलब x1 + x3 जो आपका आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 8, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली जो आपका f है इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, बी सी का है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो 5 है अबसिसा वो क्या हो जाएगा, x2 + x3/2। तो ये आपके पास आ गया 5 × 2 = 10, मतलब x2 + x3 कम्स आउट टू बी 10। तो दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। नाउ आपके पास ये तीन इक्वेशन आ गई, x1 + x2 = 2 है, x1 + x3 = 8 है, x2 + x3 आपका 10 है। लेकिन याद करिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x1 x2 x3 सेपरेटली, ठीक है, और फिर बाद में हम लोग इसी तरह से वर्क करेंगे y1 y2 निकालने के लिए। खैर पहले हम लोग फोकस करते हैं x निकालने के लिए, अगर इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए, ठीक। तो ये एक सॉल्व करने का तरीका है, सिंपल है सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन एक स्पेशल है आपके लिए। तो इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो आप क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3।
इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स वन, यहाँ से एक्स वन और एक एक्स वन आपका यहाँ से आ रहा है, तो देयर आर टू एक्स वन। सिमिलरली आपके पास टू एक्स टू आ जाएगा, दैट इज एक्स टू, और फ्रॉम इक्वेशन थ्री से एक्स टू आ रहा है, तो दैट इज टू एक्स टू। देन आपके पास दो एक्स थ्री भी हैं, टू एक्स थ्री, और जो राइट हैंड साइड है वो ऐड होके क्या हो जाएगी, टू यहाँ से ऐड होगा आपका, फिर नेक्स्ट एट टेन हो गया, और टेन प्लस टेन ट्वेंटी हो गया। ये तीनों को टू से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, दैट इज ट्वेंटी बाई टू, और ट्वेंटी बाई टू कितना आ जाएगा आपका, टेन आ जाएगा, तो यहाँ से ही हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, तो ये आपका आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल्स टू टेन। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से इक्वेशन नंबर वन से अगर ये वैल्यू एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू अगर हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू टू रख देते हैं, तो आपका क्या अननोन रह जाएगा, एक्स थ्री रह जाएगा। ठीक है, तो एक्स थ्री आपका कैलकुलेट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टू एक्स वन प्लस एक्स थ्री, एक्स वन और एक्स थ्री की वैल्यू आप प्लेस कर दोगे इक्वेशन टू से, तो आपका एक्स टू निकल जाएगा। और इक्वेशन थर्ड से आप एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लेस कर दोगे, तो आपका एक्स वन निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपके पास से फोर्थ इक्वेशन है, तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फोर क्या हो जाएगा आपका, वन एंड फोर आपका हो गए एक्स वन प्लस एक्स टू वैल्यू हम टू प्लेस कर देते हैं, टू प्लस एक्स थ्री इक्वल्स टू टेन, दैट इम्प्लाइज एक्स थ्री इक्वल्स टू एट। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फोर, तो टू से हम किसकी वैल्यू, एक्स वन प्लस एक्स थ्री की वैल्यू प्लेस कर दें, तो एट प्लस एक्स वन एक्स थ्री की वैल्यू प्लेस कर दिया, तो एक्स टू बच गया, दैट इज इक्वल्स टू टेन, तो एक्स टू आपका क्या आ जाएगा, एक्स टू कम्स आउट टू बी टू। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, तो ये आपका हो जाएगा थ्री से आपका टेन है, तो टेन प्लस एक्स टू एक्स थ्री रख दिया आपने, तो ये एक्स वन बन गया, तो एक्स वन इक्वल्स टू टेन, तो सिंपली एक्स वन कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो तीनों ही वर्टिसेस जो ए बी सी हैं, इन तीनों वर्टिसेस के आपके पास अपसिस आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ऑर्डिनेट के लिए तीन इक्वेशंस बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ऑर्डिनेट के लिए जब बनाओगे आप सॉल्व करोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, सिमिलरली एक्स वन जीरो आया है, एक्स वन आपका जीरो आ चुका है, और जो एक्स टू की वैल्यू है, एक्स टू की वैल्यू आपकी टू आ चुकी है, एक्स टू टू है, और जो एक्स थ्री आपका है एट आ चुका है। ठीक, तो आपका एक्स वन जीरो आ गया, एक्स टू टू आ गया, एक्स थ्री एट आ गया। तो जब आप वाई वन निकालोगे तो वाई वन सिमिलरली इसी तरह से निकालोगे, तीन इक्वेशंस बनाओगे और उनको ऐड कर दोगे, चौथी बनेगी, फिर यूज़ करके निकालोगे, तो वाई वन आपका सिक्स आएगा, जो आपका वाई टू है वाई टू आपका टू आएगा, और जो वाई थ्री है वाई थ्री आपका टेन आ जाएगा। ठीक है, तो करिएगा इसको।